हेलो एंड वेलकम टू अव चैनल गाइस हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोनाउन डिस्कस किया था इसके टाइप्स विद इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और उसके साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे तो दीज आर द एम एमसीक्यूज जो हम आज डिस्कस करेंगे जिसमें से ऑलरेडी हमने सेवन एम जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं अब हम सेवन से जो आगे एम हैं वो डिस्कस करेंगे तो इस तो, ये टॉपिक जो है आपके जेके पी में जनरल इंग्लिश पार्ट में मैंशन है तो इसमें जो है पॉसिबल क्वेश्चन uh, जो हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में यानी यू हैव टू रिकॉगनाइज द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द सेंटेंस ठीक है जितने भी एक्सपरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के जरिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर एट जो है वो दिया गया है विच प्रोनाउन इज़ यूज इन देंटेंस ठीक है तो सेंटेंस है ही टोल्ड मी अबाउट इट यहाँ पे प्रोनाउन क्या है ही ठीक है तो ही जो है हमें बताना है कि सॉरी विच प्रोनाउन इज यूज इन सेंटेंस ठीक है तो प्रोनाउन जो है ही है यहाँ पे तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा अगर आपसे पूछा जाएगा ही जो है यहाँ पे किस टाइप का प्रोनाउन है ठीक है ही यहाँ पे क्या है इट एक्टिस एज ए सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहलाएगा ठीक है तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल विच प्रोनाउन टाइप इज यूज इन देंटेंस ठीक है इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो so, यहाँ पे प्रोनाउन जो यूज किया गया है दैट इज ही एंड इट इज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इनमें से उसकी एग्जाम्पल आपको बतानी है इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सी है ऑप्शन ए इज़ माई सेल्फ ऑप्शन बी इज ही ऑप्शन सी इज आवर ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी इज दिस ठीक है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हमें सब्जेक्ट की तरफ रिटर्न बैक करवाता है ठीक है दैट इज माई सेल्फ ठीक है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्ट प्रोनाउन में आपका माई सेल्फ आएगा यूर सेल्फ आएगा ठीक है हिम सेल्फ आएगा प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने सारे डिस्कस किए हुएंगे या ओअर इट एक्चुअली रेफर बैक टू दब्जेक्ट ऑफ देंटेंस ऑप्शन टाइप इन देंटेंस ऑफ द स्टूडेंट वॉज गिवेन ए प्राइज ठीक है is, prize, तो हमें जो है यहां पर रिकॉगनाइज करना है कि कौन सा प्रोनाउन टाइप जो है वो यूज किया गया है इस सेंटेंस में तो क्वेश्चन नंबर टेन जो है आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएंगे तो ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज गिवन ए प्राइज ऑप्शन इज ऑन पर्सनल प्रोनाउन ऑप्शन नंबर बी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑप्शन सी इज डेमोनिव प्रोनाउन ऑप्शन नंबर डी इज पॉजिस प्रोनाउन ठीक है तो यहां ई जो है ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज गिवन ए प्राइज तो ईच एक्चुअली इट रेफर्स टू अनस्पेसिफिक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन हम यहाँ पे कहेंगे तो जहां पर आएगा सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर टेन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ऐ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ठीक है तो हमें बताना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन इनमें से कौन सा है ऑप्शन देर देयर्स ठीक है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है दैट इज यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ऑप्शन नंबर ए दे जो है दे एक्ट इसटिव प्रोनाउन ठीक है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे करेक्ट आंसर आएगा देम देयर देयर जो है दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ठीक है दे विल एक्ट एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ठीक है तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो है दैट इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हरसेल्फ इन द सेंटेंस शी डिड इट बाय हरसेल्फ ठीक है तो हमें बताना है कि हर सेल्फ जो है यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है वे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन वे है पर्सनल प्रोनाउन वे है रिलेटिव प्रोनाउन तो हर सेल्फ जो है ये इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट दैट इज शी की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करता है सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑप्शन नंबर ए लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है दैट इज विच सेंटेंस कंटेन इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो यहाँ पे बताना है कि किस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ठीक है तो ही हेल्पड मी दिस इज माइन वी आर हैप्पी दे डिड वेल ठीक है तो मैंने ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन बताए हुए हैं मी जो है इट एक्ट एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ठीक है मी जो है इट एक्ट एज्जेक्टिव प्रोनाउन रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब ठीक है सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो है दैट इज सेलेक्ट द सेंटेंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन हमें उस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है जिसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो ऑप्शन ए इज द पर्सन हु कॉल्ड यू इज आउटसाइड आई सॉ देम यस्टरडे शी इज गोइंग टू द पार्क इट वॉज ए सनी डे ठीक है तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है ठीक है तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता ही है किसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन इट कनेक्ट इज द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट क्लास यहाँ पे हु जो है हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन सो सेंटेंस या दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉजिस्टिव प्रोनाउन हमें बताना है कि इनमें से पॉजिशिव प्रोनाउन कौन सा है तो बिल्कुल ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है माइन मी आई यू तो माइन जो है माइन इज ए पॉजिटिव प्रोनाउन सो इट इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन देंटेंस वी लव और पेरेंट द प्रोनाउन वी इज ठीक है तो जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है वी लव और पेरेंटस हमें बताना है कि इसमें जो प्रोनाउन वी है ये कौन सा प्रोनाउन है ऑप्शन और पोजिटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक है तो वी जो है यहाँ पे इट एक्ट एज ए सब्जेक्ट तो ये एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है ठीक है तो वी लव आर पेरेंट्स इसमें जो वी है इट एक्टिस प्रोनाउन सो इट इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ही क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच सेंटेंस कंटेनज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है आँख बंद करके आप जो है आप ऑप्शन नंबर ए पर जा सकते हैं बिकॉज इट कंटेनज एन इंट्रॉगेटिव मार्क ठीक है हु आर यू कॉलिंग सो यहाँ पे हु जो है इट एक्ट एज एन इंट्रॉगेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस दे ब्लेमड दम ठीक है तो प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट दैट इज यहाँ पे दैम सेल्व हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ठीक है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है पर्सनल प्रोनाउन की ठीक तो है he, his, that, these, तो यहाँ पे ऑप्शन हैं ही इज दैट दिस ठीक है तो ही जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और जो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है ठीक है सब्जेक्ट प्रोनाउन है पहले पर्सनल प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन में फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है

और माई बुक्स ठीक है देम और सॉरी देम और दन इज आई वॉन्टेड ही इज रनिंग ठीक है तो दैट इज माई कार जो है इट पॉइंट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सो इट एक्टिस इट इज़ फंक्शनिंग एज अ डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो यहाँ पे दैट जो है इट एक्टिस एज अ डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन अगेन एक ईजी टाइप का क्वेश्चन है वी हैव टू रिकोगनाइज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज इन द सेंटेंस हु दिस ठीक है तो इंट्रोगेटिव टाइप है सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। तो यहाँ पे हु इंटरगेटिव प्रोनाउन लेट एस मोट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेंटेंस विदिशिव प्रोनाउन ठीक है दिस हाउस इज माइन आई लाइक देम शी साम दैट इज इन ठीक है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि पॉजिशिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं सो so, माइंड जो है इट इंडिकेट इज देशन सो इट इज मेकिंग इट ए पॉजिटिव प्रोनाउन सो इट इज ऑप्शन नंबर ए अगेन द एग्जाम्पल ऑफ अ डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन विच इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ठीक है तो ऑप्शन माई सेल्फ ठीक है तो यहाँ पे इट पॉइंट ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सो ये जो है इट एक्ट अ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वी है पाजल हर सेल्फ इज एल्फ जो है यहाँ पे हमें बताना है कि हर सेल्फ क्या है ऑप्शन रिफ्लेक्स प्रोनाउन एम्पैथिक प्रोनाउन इंट्रॉगेटिव डिमोनस्ट्रेटिव ठीक है तो हर सेल्फ जो है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया था दैट इज़ द एम्पैटिक प्रोनाउन व्हेन वी एम्फसाइज द सब्जेक्ट तो ये इसको एम्पैटिक प्रोनाउन कहते हैं तो यहाँ पे जो है हर सेल्फ जो है शी हर सेल्फ सॉलोड द पजल जो है इट एम्पाइज द सब्जेक्ट शी सो इट इज़ एन एम्पैटिक प्रोनाउन सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हीयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन ठीक है आपको बताना है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है इनमें से कौन सा है ठीक है इनडेफिनिट आपको पता ही है कि जो रेफर करता है टू तो एन अनस्पेसिफाइड पर्सन ठीक है तो ऑप्शन इज आर सम्बॉडी हीज अवर्स दे ठीक है तो इट इज समबॉडी नो बॉडी एनी वन ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर तो समबॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हु इन देंटेंस हु इज कमिंग टू द पार्टी ठीक है बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है तो इट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वी हैव विच इज द रिलेटिव प्रोनाउन इन देंटेंस द गर्ल हु वन द रेस इज माई सिस्टर ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं दैट कनेक्ट

क्वेश्चन नंबर थर्टी वी हैविच सेंटेंस कंटेन इज द पर्सनल प्रोनाउन हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से पर्सनल प्रोनाउन जो है कंटेन करता है वी हैव आई स्टोर ऑप्शन बी इज दिस इज इनक्रेडिबल ऑप्शन सी इज समोर ऑप्शन डी इज हर्स इज द बेस्ट ऑप्शन ठीक है तो आई साहिम ऐट द स्टोर आई और हिम जो है दे आर द पर्सनल प्रोनाउन सो इट इज ऑप्शन नंबर ए ठीक है पर्सनल प्रोनाउ आई सा हिम आई जो हैं इट इज़ ए सब्जेक्ट प्रोनाउन हिम जो हैं हिम इज़ ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेकिन दोनों जो हैं बहुत और द पर्सनल प्रोनाउस सो दीज आर दर्टी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज ऑन योर प्रोनाउन्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस लेक्चर को अनरस्टैंड करने में आप हमें एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपको इस लेक्चर का पी चाहिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जो है आपको इसका पी मिलेगा जितने भी एक्सपैरेंट्स हमारे साथ इस वीडियो के ज़रिए पहली बार जुड़े प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसके अलावा हमारी बहुत सारी सीरीज़ जो हैं ऑलरेडी कंप्लीटेड सीरीज़ हैं वी हैव जो आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू तो जे के हैं बिल्कुल कम्प्लीट प्ले हैं ऑफ़ अराउंड ट्वेंटी वीडियोज उसमें हमने पूरा हिस्ट्री से लेकर एंड तक जो है पूरा डिस्कस किया हुआ है यू कैन रेफर टू दोज़ लेक्चर्स उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज डिस्कस किए हुए हैं ऑल्सो कंप्यूटर पर हमने एक तो मॉक सीरीज़ टेन मॉक्स हमने अपलोड किए हुए हैं इसके अलावा हमने वन फिफ्टी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ भी उसमें डिस्कस किए हुए हैं इसके अलावा एक और सीरीज़ हमने चलाई हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं टॉप फाइव हंड्रेड एम सी क्यूज़ फॉर ऑल डी के एस एस बी एग्ज़ाम उसमें अराउंड टू सेवेंटी टू एट्टी के आसपास हमने ऑलरेडी क्वेश्चन जो हैं वो किए हुए हैं दो जॉ तो इंपॉर्टेंट उस सीरीज़ में हमने कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी लाए हुए हैं तो बेसिक से लेकर बिल्कुल आ, हाई लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो हमने उसमें लाए हुए हैं इसके अलावा जो आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कम्प्लीट किए हुए हैं उस पर हमने उसका प्ले लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगा इसके अलावा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट जो है उसमें भी हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और उसमें हमने कुछ मॉक टेस्ट भी जो हैं ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं यू कैन दोज मॉक्स ऑल्सो तो आप हमारी प्ले लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं वहाँ पर जो है आप सभी आपको सभी वीडियोज़ की लिंक मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय